डीपीओ भखर मोहम्मद नजीद जिस तरह जिला भखर से जराइम पेशा नासिर का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह वो अहलियान भखर को इंसानियत से मोहब्बत करने का जो दर्स दे रहे हैं, इसकी मिसाल भखर के किसी और माजी के डीपीओ में नहीं मिलती थी। इसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने आया, जिसके सामने आने के बाद न सिर्फ भखर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर डीपीओ मोहम्मद नवीद के उस काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि जिस काम ने इनका इंसानियत से प्यार और इंसानियत से मोहब्बत का जो सबूत था वो सबके सामने रखा। हुआ कुछ यूं कि तहसील दरिया खान से ताल्लुक़ रखने वाले रिजवान, जो कि थैलीसीमिया के मरीज हैं और अब तक 2500 के करीब उन्हें खून की बोतलें लग चुकी हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक दिन के लिए डीपीओ बनना चाहते हैं। और उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए डीपीओ भखर मोहम्मद नवीद ने एक दिन के लिए उन्हें डीपीओ भखर बना दिया। याद रहे कि थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें मरीज को हर सूरत मुख्तलिफ मराहिल में ब्लड की बोतल लगती है और जब तक खून लगता रहता है तब तक उसकी सांसें बहाल रहती हैं। और इस वक्त जिला भखर में तकरीबन 450 के करीब बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। डीपीओ भखर ने जिस तरह थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करके ना सिर्फ उसे जीने की एक और वजह दी है, बल्कि वहीं पर ही डीपीओ भखर ने जिस तरह हम सबको इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देने की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, तो उसके बाद हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इंसानियत से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। नाज़रीन गरामी, थैलीसीमिया के मरीज बच्चे ना सिर्फ पूरे भखर से यहाँ पर आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ भखर के अलावा जो दीगर पड़ोसी अजला हैं वहाँ के थैलीसीमिया के मरीज बच्चे भी भखर में लाए जाते हैं और उनके इलाज के लिए जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो वहीं पर ही उनको नई जिंदगी देने और जिंदगी की उम्मीद पैदा करने के लिए जो काम डीपीओ भखर ने किया है वो यकीनन खिराज तहसीन के लायक है। अब हम सबको ये देखना है कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर इस शहर के इन बच्चों के जो थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं उनके लिए क्या करते हैं और किस तरह से इनकी जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इस हवाले से डीपीओ भखर ने अपने हिस्से का दिया जलाकर अपने हिस्से का काम कर दिया है। और उनका ये पैगाम कि इंसानियत से मोहब्बत करने के लिए या इंसानियत को प्रमोट करने के लिए किसी किस्म की ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं होती, ये पैगाम कितना कारआमद साबित हुआ है, ये तो अब अहलियान भखर के मुस्तकबिल के अंदर इज्तमाई और इनफरादी जितने भी किरदार हैं उन सबको देखकर ही लगाया जा सकेगा। बहरहाल आने वाला वक्त इंशाल्लाह अहलियान भखर के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अब भखर के अंदर ऐसे ऑफिसर तैनात होना शुरू हो चुके हैं कि जो ना सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जहां तक मुमकिन हो वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए भी पेश पेश होते हैं। अब हम सबको भी अपने इन अफसरान के साथ मिलकर भखर के अवाम, स्पेशली उन लोगों के जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी मदद करनी है और उनके हकूक के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए भखर पुलिस का साथ देना है। और साथ ही हमें जो अब काम करना है वो ये है कि डीपीओ भखर के इस काम को अप्रिशिएट करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि भखर के लोग सिर्फ तनकीद करना ही नहीं जानते बल्कि वो अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर वेल डन डीपीओ ज़रूर लिख देना है, ताकि भखर पुलिस को ये एहसास हो कि जहाँ वो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं वहीं पर ही अहलियान भखर भी पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और उनके हर अच्छे काम को दिल से अप्रिशिएट करेंगे।